इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक है दास बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 के सरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के राव क्षेत्र के 16 गांव के किसान इकोनॉमिक कॉरिडोर के विरोध में लामबंद हो गए। इसके विरोध में 16 गांव के किसानों ने पत्रकारों से चर्चा की और अपनी नाराजगी का इजहार किया। किसानों का कहना है कि सभी किसान इकोनॉमिक कॉरिडोर की योजना से पूरी तरह असहमत है। किसानों का आरोप है कि शासन इस मामले में भ्रम फैलाकर किसानों को भयभीत कर रहा है। इसके साथ ही किसानों को उनकी आपत्तियों का जवाब नहीं मिला है। इसके लिए उन्होंने समय सीमा निर्धारित करने की भी मांग की है। किसानों ने सरकार से मांग की थी कि इस योजना को लागू करने से पहले किसानों की सहमति ली जाना चाहिए और बिना किसानों की सहमति से इस योजना को लागू नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर 16 गांव के किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 15 दिन के अंदर इस योजना को सरकार निरस्त नहीं करती है तो पूरे प्रदेश के किसान एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की मुहिम चलाएंगे। ऐसे में इस योजना को लेकर किसानों की नाराजगी का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। वहीं किसानों ने AKVN को लेकर भी कहा कि किसानों की जमीन को अधिग्रहण कर वहां पर सड़क बनाई जा रही है। जो एयरपोर्ट से सोनवाई तक जो बनाया जा रहा है 19 गांव में, इसमें हमने आपत्तियां लगाई। उन आपत्तियों को ये अधिकारी लोग और ये इस बात पे हमारी खारिज कर दी और उसमें दे दिया कि हमने किसानों से बात कर ली, वो सब सहमत है। हम एक भी किसान सहमत नहीं है। ये आप मीडिया के माध्यम से अधिकारी लोग सारे भ्रामक AKVN आईडी वाले ये सब भ्रामक प्रचार करते हैं, तो हम एक भी देने के लिए तैयार नहीं है। और देवास में जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि लैंड पुलिंग एक्ट समाप्त किया जाता है, तो हमारे इंदौर क्या अलग है मध्य प्रदेश से? हम ये पूछने आए हैं कि इसका साथ में और उसका बाद में अभी जो ये विधानसभा लगने वाली है, इसमें गजट नोटिफिकेशन करके जैसे हमको आपत्ति के नोटिस दिए थे कि आपत्ति लगाओ, वैसे ही जब ये बोल रहे हैं कि लैंड पुलिंग एक्ट समाप्त हो गया, तो हर पंचायत को और हर उस भूमि धारक को जिसको नोटिस दिया लिखित में क्यों नहीं देते? पहले इन्होंने 34 धारा खत्म करी, कोर्ट जाने के अधिकार उसकी घोषणा 16 में हुई थी, वो अभी तक नहीं पूरी हुई, तो क्या चुनाव का फंडा है हमको घोरने की और करोड़ों रुपए की हमारी जायदाद छीनने का अधिकार हम नहीं देते हैं? हम इसलिए यहाँ आए हैं कि भ्रामक प्रचार बंद हो और मीडिया के माध्यम से इनको ये सूचना जाए कि भैया कोई देने के लिए जमीन अधिग्रहण जो 300 मीटर कर रहे हैं, एक भी किसान इसमें राजी नहीं है, तो कृपया हमारी जमीन का लूट, ये लूट की संस्था आइडिया जो जमीन लूट भू माफिया है, इसको तो सबसे पहले समाप्त करो। और AKVN को भी, इनमें चुने हुए आदमी नहीं बैठे हैं। आप अगर इसमें आंदोलन करेंगे, अगर जमीन आपकी जबरदस्ती अधिग्रहण करती सरकार, चुनाव में इसका दोनों पार्टियों को जवाब देंगे। खैर दोनों पार्टी तो बची नहीं है, क्योंकि 50 इधर हो गए उधर हो गए, तो कोई पार्टी आर्टी तो बची नहीं, ना BJP है ना कांग्रेस है। हम तो जो लड़ेगा वहाँ उनके हाथ पैर जोड़ेंगे और बोलेंगे कि भैया हमारी जमीन नहीं छोड़ेगा तो हम तेरे साथ नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के हमारे लोग हैं। 70% विधायक किसान की औलादे बैठी हुई वहाँ, लेकिन न जाने किसकी गोद में जाके बैठती है। जो भाव तो ठीक है, अंडा तो चला गया, लेकिन अब मुर्गी खाने की बात आ गई, भाव तो नहीं मिले किसानों को, अब उनकी जमीन हड़पने का काम चल दिया गया। 2000 के बाद में जमीनों के इंदौर के आसपास हर बड़े शहर के 100 गुना ज़्यादा भाव हो गए कॉलोनियों से लेकर कृषि भूमि के, और गाइडलाइन खाली 2 गुना बड़ी। ये सारा काला धन, ये चिल्लाते सारा काला धन इसमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने गांव है उसमें, कितने किसान? 19 गांव है और 79 गांव के ऊपर आइडिया हड़पने वाला है। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव का इसका बहिष्कार करेंगे? सब किसानों से अभी हमारी मीटिंग होने वाली है, हम इसी बात पे आए। और विरोध से क्या होता है साहब, ये सब समझते हैं, विरोध तो करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इस देश में, और विरोध करने आएंगे तो अभी दे दिया है कि कुछ भी निकालोगे, वाहन रैली ये वो कुछ भी करोगे तो धारा 144, ये सब इनके हट धर्मिता है। इनको मालूम किसान बेचारे को SDM और ये परमिशन देंगे ही नहीं। हालांकि 10,000 के गरीब परिवार अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर जमीन उनको दे दी तो आने वाले समय में उन्हें भूखा मरने की नौबत आ सकती है। Oh,